दोस्तों अगर आप भी इस वक्त iPhone 15 या फिर 15 प्लस लेने का सोच रहे हैं तो आपको जो है ना नहीं लेना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए iPhone 16 का, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको जो है ना टॉप 6 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आप खुद उससे एग्री करेंगे कि भाई हमें वेट कर लेना चाहिए। हाँ, ये एक अलग बात होती है कि कुछ दोस्त जो है ना वेट कर रहे होते हैं, जैसे iPhone 15 आया था तो कुछ दोस्तों ने सोचा होगा कि भाई 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद फोन थोड़ा सस्ता हो जाएगा तो फिर जाके हम जो है ना परचेज कर लेंगे, तो उनका बजट कम होता है। तो उन दोस्तों को तो मैं यही कहूंगा कि उनको लेना है तो वो ले ले, ऑलरेडी iPhone 15 जो है ना काफी सस्ता हो गया है। लेकिन जिनका बजट है उनको 4 महीने के लिए वेट करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा अपग्रेड बन जाता है। तो चलिए वो रीजन जो है ना डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा iPhone 16 के कैमरा का डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, अगर हम माजी में देखें तो iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 का सेम डिजाइन आ रहा है कैमरा का भी सब कुछ, लेकिन अभी iPhone 16 में चेंज होने वाला है और डिजाइन जो है ना रिपीट किया जा रहा है जैसे iPhone 11 का था, लेकिन 11 के कैमरे छोटे थे तो यहाँ पे कैमरा जो है ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये डिजाइन मुझे लगता है कि आगे 3-4 साल या फिर 2 से 3 साल तक तो एप्पल इसको आगे रिपीट करता रहेगा। तो ये एक जो है ना रीजन बन जाता है कि आप जो है ना वेट कर लो iPhone 16 का, ताकि आपका जो डिजाइन है वो अगले 3-4 साल तक जो आने वाले iPhones हैं तो वो सिमिलर ही दिखे। सेकंड नंबर पे जो मेन रीजन मुझे लगता है वो है दोस्तों iPhone 16 के जो बटन्स हैं। जी हां दोस्तों, अगर हम iPhone 15 में देखें या फिर 15 प्लस में तो एक तो यहां पे हमें एक्शन बटन भी नहीं मिलता, अभी जो नेक्स्ट iPhone आएगा उसमें हमें एक्शन बटन भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा एप्पल जो है ना कैप्चर बटन जो है ना इंट्रोड्यूस करने वाला है जो कि एक जो है ना प्रोफेशनल कैमरा के जो है ना फील देगा, तो वो बटन जो है ना सभी iPhone 16 सीरीज में आएगा। तो ये भी एक जो है ना सेकंड एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। तो क्योंकि ये बटन iPhone 16 में आने के बाद 17 में 18 में ये बटन जो है ना कंटिन्यू रहेंगे। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है A18 प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, पहले iPhone के सभी बेस मॉडल में जो पिछले साल का प्रोसेसर होता था उसको रिपीट किया जाता था, मतलब iPhone 15 में आप देख लें आपको iPhone 14 वाला जो है ना प्रोसेसर देखने को मिलेगा, iPhone 14 में आपको iPhone 13 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन इस दफा आपको सभी iPhone 16 सीरीज में A18 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। प्रोसेसर एक जो है ना मेन रीजन बन जाता है, तो आपको जो है ना मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, तो आपको वेट कर लेना चाहिए। तो नंबर 4 पे जो मेन रीजन आता है वो है AI। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है ना AI का जमाना चल रहा है तो iPhone 16 सीरीज में हमें AI देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम एप्पल iPhone जो है ना AI को जो है ना इंट्रोड्यूस करेगा और नए नए फीचर्स लेके आएगा। तो मुझे लगता है ये भी एक मेन रीजन है क्योंकि AI का जमाना है, तो हमें वेट कर लेना चाहिए iPhone 16 के लिए, इसीलिए हमें iPhone 15 को परचेज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों उसके अलावा जो है ना 5 नंबर पे जो रीजन आता है वो है जो है ना कलर्स। जी हाँ दोस्तों, इस दफा एप्पल जो है ना 7 कलर जो है ना लेके आने वाला है अपने iPhone 16 के बेस मॉडल्स में, तो आपके पास जो है ना काफी ज्यादा चॉइस बन जाएगी आपके लिए, मे बी जो है ना अच्छे अच्छे कलर आ जाएंगे, तो आप कोई अच्छा कलर जो है ना डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के मुताबिक जो है ना चूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी एक जो है ना बहुत अच्छा रीजन बन जाता है वेट करने के लिए iPhone 16 के लिए। नंबर 6 पे जो रीजन आता है वो है iPhone 16 का कैमरा। जैसा कि कैमरा हर साल जो है ना अपग्रेड होता है, उसकी वीडियो क्वालिटी और जो है ना इमेज क्वालिटी उसको जो है ना इम्प्रूव जो है ना किया जाता है, और अभी इस दफा भी जो है ना लीक्स में आ रहा है कि भाई कैमरा जो है ना जो अल्ट्रा वाइड है उसको जो है ना हाई रेजोल्यूशन जो है ना रखा जाएगा, उसकी रेजोल्यूशन जो है ना चेंज हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि आपको वेट करना चाहिए iPhone 16 के लिए। दोस्तों ये थे वो टॉप 6 रीजन। तो आप बताएं कि आपको क्या ये रीजन सही लगते हैं, आप जो है ना कमेंट्स करके मुझे बताएं, तो मैं आपके कमेंट देखने के लिए वेट कर रहा हूं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने भाई को थोड़ी सपोर्ट कर दे। तो मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।